कहा ना बा हमका जनता नहीं साड़ा यही है। अब साड़ हो तो तख्ता बैठा तो बीसन लाठी मार के पहटवाए हो जाता नारे खोरे में। कहा तो सूरज बदलना चांद बदला ना बदला, आसमान कितना बदल गया इंसान, इंसान नहीं बदला बा, केहू को मुँह पीछे नहीं दिखाता है यार बा। दिशा लोग जौन बना वही बा है, मुँह की नहीं फेंकता। कहा भैया बदला भी इंसान कि समय बदला बा, समय के साथ इंसान बदल सकत है लेकिन इंसान नहीं बदला बा। एक छोटा सा कांड बा, गौर करी, सामाजिक बात है, आधा घंटा का समय और लेता। कवि ने लिखा भाव घड़ी में 4:15 भी बजता है, बड़ा समय अमूल्य लेके भाई बैठा है। केहू को बोआई करे के बाद, केहू को भराई करे के बाद, धान का कटाई चला तो केहू का दुकान खोले के बाद, ड्यूटी भी करना बा। सर्द मुन्ना मोरे रामा मोरे राम ए भोले जोगिया पहचाना, भाई बैरी भाई दुश्मन ऐसा नहीं। सुनने वाले दोस्त, समय के अनुसार सारा सिस्टम बदल गया। भाईस दुश्मन भाईस हित, पुरानिया कहा भाई भाई हो था, तमाम आदमी कहते भाई बैरी न भाई आ हित्ती। लेकिन कवि ने लिखा दो लाइन शायर मास्टर साहब का, आज के जमाना इंसान को बेगाना किया, आपन पराया देखा नकली चिन्हारी। आपस में फूट जात नाता भी टूट जात, देखा समय की बाबू बलिहारी है। अपने स्वार्थ बस दूसरे का खून करे, पकड़ जावे छूट जावे हाई कोर्ट भारी है। राम कैलाश कहाँ के कर विश्वास करी, घर है के लोग आज फान ठगहारी है। भक्त साण वाला जान के लाठी नहीं करे, इनका बस पता नहीं बा कौन जाति है, यही रही है। अहि माने सांप मारे वाला ही तब जाति के यही पैदा भवा। 70 पंडित 30 फकीर, 70 पंडित 30 फकीर कितना भाई साहब। इनका खियाए देबो न तरंतार होई में ठहरे, खियाए देबो तरंतार हो जाए। 70 पंडित 30 फकीर सबसे उत्तम। अहिरे का लाठी केवल भैंसा साड़ई सहबई के रहती। 5 रुपया के चक्कर में गंवात है, 400 अब हेरत है गठरी। एक ककरी हेरत वहीं खेते में ककरी। कहानी हमारे बिल्ली है महीन से म्याओ। किसान बेचारा हल जोता रहा है खेत में, आ शीशा नहीं देख रहा। जब देखे पहले तो लगे काक दू कूड़ चाट कूड़े काक बाह एकाक, हाँ एकाक खराई तक जोते। करे जब आज ओकर चेहरा देखा, कहा बा बच्चा बा तो है तो हमारा हर मानव ककरी चुराई के खात रहे। हर रोज ढील के अंगछम गठिया से लगे अलमारी में रखी दी। अलमारी में रखे के बाद खाना पीना खाए, शाम के वक्त गत गत हो गया, सोवल जाए ला के पहुंचा पहले अलमारिया में, झाँके लगा कि देखी चोरवा बा कि भगी गवा। कहो देखे नहीं रहा शीशा, हाँ सोचे चोरवा चली देखी कि भागी गवा। रात 12 बजे लेटा बा, फिर जब नींद खुला तो फिर गवा कह चली देखी कहूँ भगा तो नहीं बा। जब सवेरे किसान गवा दिशा पीरे तो मेहरुआ सोचे कि संझाई उलर गया, कहा सवेरे उठाए से नहीं उठत रहे। आज इनके कौन बीमारी पकड़ ले कि धुई दाई उठो तो हर एक खोई वरी जात हम देखा था ना, फिर लवटिया वो था आ का बात है। देखी जब दुल्हनिया खिड़की खोल के देखे, जब ओकर चेहरा देखा तो बड़ी तेज नरियान करी मोर बप्पारी। यही नरवा के खातिर दहिजरा के बेटा आज सारी रात सो नहीं रहा। मारा हीरा और एक ही देखे रही कभंगा जब सिसवा देखे सोकर चेहरा देखान कहा हीरा के चक्कर में बेटा रात भर सोए से आई तब से बुढ़ी युवा सुनत रहे का भवा का बताइए बुढ़ी युवा माही देखे रही किसनवा महतरिया जब होकर चेहरा देखान तो बुढ़ी युवा का दांत तो कुल टूटा रहा जब होकर चेहरा देखान करी मोर पप्पा रे गजब है जरा के बेटा ते बुढ़ापा लाइया हमार सेवा करे के। आप लोगन के ना ब्रह्म ज्ञानी समझान तब तीनों को भरम हटा तब चोरवा कहाँ रह गया मेहरुआ कहाँ रह गए भरम में मत टहरम जब सनबू तब पै जनबू कभी न लिखा भा मास्टर साहब का बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गए। अब वही आए मास्टर साहब के खाई हुई के कहे गायन तू कौन नंबर से व्हाट्सएप चलाओ तो हम कहा छाछठी वाले से कहे अरे यार हम जनते ही नहीं रहना जौन जौन भोजपुरी तोहरे लगे भेजी तोहरे ला रहा हम कहा टिकाऊ मान ले थे टिकाऊ नहीं ले थे कहे यहाँ कहा हमारे पल्ले न पड़े हम जौन टिकाऊ हो तो धरती से गीत ओका ले थे टिकाऊ माला है भोजपुरी आज रही अब काल न रही। लेकिन बाबू साहब ध्यान कवि ने लिखा बात का कहा हमारे बिरनवा का छुट्टी का धिया नवारे भौजी अरे रे भौजी भैया राखन कैसा बुनिया रे बाबू साहब बांदा जिला का बात है दो भाई बड़े वाले भड़िया का नाम रामू छोटे वाले बच्चा का नाम श्यामू। रामू का विवाह हो गया रहा दो बच्चा रहन रामू बेचारा बम्बई कमात रहा छटकवा घर गृहस्थी देखत रहा हा। मेरे हाँ जी इतनाथ समाज देखत रहा गते गते एक साल दो साल तीन साल बीत गए। भगवान करे नियत न खराब जेकर नियत खराब है तो कर बरकत ना हो नेत नेत देखिया कि नहीं हमारे प्रधान तो हम तहार जोते है मास्टर साहब तुम लोग नहीं जोते है हमारे प्रधान जी रहे ना हम कब जोती जब ब्याज जाए ना तब फरवा लगा दी बरधवा कम का खत जो नहीं आराम हो जावा हाँ हो फरवा के नीचवा जो नहल हुआ ओकरे नीचवा तने बड़े के चौभी रहत रही हाँ लकड़ी के वही जब ढील हो जाए तो हरवा ना लगे डुगु डुगु करे लागे तो दादा अरे कहा अरे कल जे लोहारे के हिया ठोका लिया कर नतीजे खराब हुई गवा मान लो तो लोहारे का ठोकाई जाए सही हो जाए लेकिन जब मनाई के नीयत खराब हो जाए तब कहाँ ठोकाई मेरे दोस्त नीयत का खराब होता है। देरवा एक दिन अपने भौजैया से बतलाता है भौजी भौजी एक काम करतू तू भैया के तीन चार साल हो गया आवत नहीं हन हमके लागत है बम्बई में कोनो औरत नहीं रखी लेन छोटका भैया कहत बाबू साहब भौजैया ईमानदार थी गरीब की लड़की थी गरीब की लड़की सदैव ईमानदार होती मास्टर साहब भौजैया कहे नहीं ऐसा मत कह भैया तोहार घर गृहस्थी बिगड़ा है सोचा था कुछ कमाई धमाई ले तब चली डोरवा का तो तू नहीं समझा था भौजी इतनी बात नहीं है बम्बई में तू मेहरारू देखे नहीं है वैसे वैसे मेहरारू हम कि जैसे मुर्रा इतना नियत खराब होता तब देवरू गुस्साई गए भौजी के खिलाफ लिखाई पाती चारी साल परदेश में छाया भौजी हर मस्त माती जब भौजी के समझाई था कागज पर कहना सोचे कुछ काम बन जाए, नियत का बात होता है। यहाँ जगह पर जैसे हलवंडा की नियत खराब है कि 400 जगह पर 5 रुपया कम कर ले, आई तो समझदारी बन ना हलवंडे के पास। तो ओ श्यामू जौन बा सोचे काम हम नहीं बनाता है चिट्ठी में। हाँ जी, पहले चिट्ठी अंतर देसी उसी जात रहा है, महीना का 2 महीना का हफ्ता का खबर। अब आजकल तो फोन देखा था रजाई के तरे मेहरा रूबा तला था कैसे है कहा रुका रिक्शा हिस्सा चकना का भाई अब हम सवारी बैठाई गई है। हाँ मर्द कहा था बुढ़ियन के रात में बाबू में छुहाई नहीं लागत मास्टर साहब। अब बुढ़िया उन्हें सारे में मुहारी के ओलरी है, सोचता है पतोहिया सपनोपन तो नहीं देखता है। लहरारू कहा था खूब खाए पिए जाए, 8 महीना रहा लॉकडाउन में एकदम दोबारा गवा है, खाए पिए जाए जौन बचे बचे वही संपत्ति होए। तब तक बुढ़िया आई गई, कैसे बतलात है केकर फोन बबाऊ का है का पतो कहता कहा तरह से बतला ले। आज हफ्तन हो गया कुछ हालचाल नहीं मिलता, पतो फोन काट के अपने बूढ़ा के देता है। अच्छा जब बूढ़ा के देता बूढ़ा कहता है हालो हालो बच्चा कैसे है कसरे दुल्हनिया तो वजिए नहीं है पतोहिया का या वजिया का या वो टवरवा नहीं पकड़ता है बताई भगत बच्चई चक्कर में पड़। मेरे दोस्त इंसान की नियत इतना बदल चुका बा। चिट्ठी लिख दे छटकवा भाई कि तू तो वहां परदेश कमात है और हिया देखत है सामाजिक स्तर हम आप तक एकदम गिरा जाता। बहुत जल्दी कर कमाई धमाई छोड़ के आवा घरे। सुने वाले दोस्त टिकट कटाई के चल दिया बेचारा। मास्टर साहब जब चल दिया जब पहुंच जाए लगा कहा भैया आओ हम फलाने स्टेशन पर पहुंचे वाला हम कल। तो छटकवा भाई 5-6 लौटे वही मोहरिया कहे बैठाई के और चल दे से रिसीव कर लियाई के। रामू के जब पहुंचा था घरे रामू देखन श्यामू का कसो भाई करा ई मनई कैसन कहे चिट्ठी नहीं पढ़े रहा का लिखा नहीं रहा का। छटकवा भाई कहा देखा 20 मिनट का समय पान बीसन मिला यह लाइन लगाए हैं यह देख ले अपने मेहरारू का नियत। बजाज एकदम गरम बहाय। सुनने वाले मित्र कवि ने लिखा भाव कहना बहाय का दुल्हन रोई की कहत अपने दुल्हा से। एक लाइन गीत लगा मास्टर साहब माधुरी जवानिया से बोली बारी धानिया काहे रिसिया गइल बलमू काहे रिसिया गइल बलमू हमसे भइल कवाना कसूर हो काहे रिसिया गइल बलमू। भैया जेकर दुल्हा अगर 4 साल पावे मास्टर साहब परदेश से, ओकर दुल्हन कितना खुशी हो सकत है। आसमान और धरती एक हो जाता है। दुल्हन खुशी बा कि 4 साल बयान कम से कम समझन त संझा की पहुंची अपने पति के भोजन देता, पानी देह सोहे पानी फेंक दे, पानी फेंक दे। दुल्हन दुखित होई के रोई के पूछे लागी बात का है, लेकिन मर्द एक आखिर कुछ बोलत नहीं बहा है। दुल्हन फिर पहुंची पैर के पास बैठ गई गुड़वारी, पैर गते गते अपने पति के दबावत रामू का बात है। ननकहू के पापा काही ऐसा बात बा कुछ बतावत नहीं है। मर्द एक आखिर बोलत नहीं बहा है। गुस्सा में आये हो पकड़ लेस पीछे से बार जब पकड़ी लेस, पकड़ के मास्टर साहब वही चारपाई के नीचे दबाई के लगा मारे। तब दुल्हन रोई के कहता का कहता है हाँ कहे हमसे हमसे कौन भैले कसूर हो काहे रिसिया गइल बलमू कहे भीतरी कबतिया हम कुछ न जानी। 4 साल पर आया राजा, 4 साल पर आया राजा कोनो बात नहीं जानी। काहे रिसिया गइल बलमू काहे रिसिया गइल बलमू सोचना ही समझना ही बतिया जरूर हो काहे रिसिया गइल बलमू। लड़का मर्द लगा मारे, दुल्हन हाथ जोड़ के खड़ी बा। 12 बजे रात जब मर्द मारा तो दुल्हन कहते आखिर बात का है, कुछ बात बताओ हम गलती का के है। मर्द एक आखिर बोलत नहीं बा, देवर जौन बा दूसरे कमरा में बा। तब रोई के दुल्हन एक बात कहता कि हमके मारा जिन, हमके मारा जिन, हमके हमारे मैके पहुंचाए दे। सुने वाले दोस्त इस समाज की बात है और जो मेहरारू को मारत है ना वो जिंदगी में कभी सुख नहीं पाई सकता। काहे बर जान थे ये आती है ने देवी है ने मेहरारू के जे मारस कभी जिंदगी में सुख नहीं पाए। काहे बरे नारी मोहई एक मर्द के मोह सकत है, एक औरत के नहीं औरत मोह सकत। अब आज के औरत के वहां देखा ही लगा तो तमाम औरत देखा कि तोहरे देखे काम खीसी निपोर के खड़ा है का केहू से हम निवरी हो रहे बात के नहीं कहते। मेरे दोस्त आल्हा के भाव में कहना बा मास्टर साहब कि अरे मधुरी जवानिया से बोलाई बारी धनिया सुन ले तो स्वामी तनी बतिया सुरवा स्वामी तनी हमके बताई देता भेदिया का बात। नंगी के रात का निकल जा दोलहिन सचेस दिन में जाब तो बड़ी बदनामी हुए। इससे बढ़िया रातों रात चली जाई हमके अच्छा या दुल्हन रोई के पैर पकड़ के अपने दुल्हा के कहे स्वामी जी हम तो चली जात ही है लेकिन हमारी जो दोनों बच्चा हैं हमारे न रहे पर ये आपके जिम्मेदारी बा। जेकर बाप नहीं रहते महतारी नहीं रहत तो बाप से प्यार पावत हो, जेकर बाप नहीं रहत तो महतारी से प्यार पावत हो। यह हमारे तोहरे खून के अवतार हैं, एके ध्यान दे है। मास्टर साहब इतनी बात कह के दुल्हन चल रहे से पहुंची कहाँ, दुल्हन पहुंच गई नदी किनारे और रति रति होता रहा भिन सारे कूद गई महजधारा में दाई दिहल परानवा सजनवा हम काहे जाई ना मझधारा में जाए के कूद के नदी के किनारे। सवेरे से चर्चा होता कि आज फलाने के दुल्हन बेचारी रात में भाग गई पता नहीं कहाँ गई। बड़का भैया मेरे दोस्त और दुल्हन रात में अब यही बरगाना का कटिंग भी दास कह के गाँव तक कितना जल्दी हो जाए। बाबूराम कैलाश कहे जो चुकी जाए वही मीठ कहती कहा मास्टर साहब। बेचारी सवेरे होते जमुना जी में कूद गई। दोनों लड़कन के रामू कहा भैया ध्यान दे अब हम जात ही जाए मुंबई 4 साल पर आए हैं भैया जौन नहीं सोचे रहे वही भवा। परदेसी बेचारा रामू गन मास्टर साहब 15 दिन के बाद चिट्ठी लिखत हन कि हम घरे आओ। छोटकवा भाई कहा मेहरारू रही तो 4 साल नहीं आवत रहन है, अब तो 15 दिन में आवत लागत अब जो घर गृहस्थी बने वह अलगौजी करई आवत हन। तो 15 दिन में छुट्टी 15 दिन में चिट्ठी लिखन हम घरे आऊ भाई भैया। तब छोटका भैया सोच लागन बात कौना रामू सो ये बात के कहन श्यामू सोचन की गौजी करे ही लागत है। मेरे दोस्त यही रात में दोनों बच्चन के लैगवा हुई खन के कहा आंगन में गाड़ दिया। परदेसी बोला भैया बच्चा कहाँ गन कहे ननियौरे गहन कहा अरे 55 साल का लड़का ननियौरे कहा भैया जाना नहीं आजकल जमाना बड़ा खराब बा लड़कन के दे देबो पासबुक तो बैंक से पैसा भजा सकत है। बिरहा में टेरी के बोल लगा मास्टर साहब सजनवा निरमोही हो गए सजनवा निरमोही हो गए भौजी कहे कि देवर जिन छोड़ाई मना सजनवा निरमोही हो गए। बड़का भैया रात भवा वही आंगन में चारपाई दसावा बा। रात में सपन परदेसी देखता सपन का देखता है जहाँ लड़का के दफनाए बा वही चारपाई बा वही परदेसिया लेटा बा है। लड़का दोनों सपन का दिखाओ थन अरे माई माई रोए दोनों ललनवा हमारे बाबूजी अब कहाँ गईलिन हमारी मयानवा हमारे बाबूजी। दीवाल को भी होता है शंका हो सवेरे से परदेसिया कहता भाई साहब खनवावे के था चारपाई हटान जब खनवावा तहन तो दोनों लड़का कहे बड़कवा कहे का हो भैया ये क्या हमारे संग यह ननिया रहा है। मेरे दोस्त बड़ा भाई कहे ले जे भाई सब कुछ हमारी जिंदगी अब छोड़ा अब भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा। जहाँ लालच बढ़ गया तो वहाँ ईमान खराब हो गया और ईमान जब खराब हो जाता है इंसान का तो चाहे जे करे संगे धोखा कह सकत है। मेरे दोस्त आखिरी बात आखिरी भाव में बड़कवा भाई सारी संपत्ति दई के गंगा नदी के किनारे जमुना के किनारे रोड की चल दिया। आखिरी लाइन बह गाना कटिंग में भाव में बह का भाई दुनिया में बच के भले परदेसिया नगरिया के दुनिया में रहा भाई बच के भला परदेसिया नगरिया और कल्पना किए राम सजनवाया अहंकारी हो गए, सजनवाया अहंकारी हो गए। गावे प्रेम चंद सतगुरु धरा चरणवा सजनवाया।